राग रस के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मेरे साथ वो बड़ी हस्ती बैठी हुई है जिनका संबंध हमारे मंगेशकर घराने से है। मेरे पिताजी जो के संगीत तज्ञ थे और नाट्यकार भी थे, उनके मन में एक दिन आया कि मुझे राजस्थान जाना है और संगीत और बढ़ाना है, इसीलिए वो बीकानेर पहुंचे। वहां जाके उन्होंने पंडित सुखदेव प्रसाद जी को सुना और वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा मैं आपका शिष्य बनूंगा, मुझे गाना सिखाइए। और उनसे उन्होंने गाना भी सीखा। आज उनके पुत्र और शिष्य हमारे साथ यहां बैठे हुए हैं और वैसे वो मेरे पिताजी के गुरु बंधु हुए और मेरे चाचा जान हुए। तो चलिए मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। पंडित जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार और राग रस के सुनने वालों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। आजकल लोग बोलते हैं कि जो पॉप म्यूजिक है जी, हम वेस्टर्न से वेस्टर्न म्यूजिक हम गाते हैं जी, हम बोलते हैं कि परदेश से हमने ये म्यूजिक उठाया है और ये आजकल तो आप देख रहे हैं कि हर गाना रिदम ही होता है। रिदम जरूर जी, लेकिन क्या हमारा जो क्लासिकल है उससे हटके है ये? नहीं, सवाल नहीं, इन सात सुरों से हटके तो कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आज जो हमारी नई पीढ़ी है जी, उन्हें ये पता नहीं है कि हमारा क्लासिकल म्यूजिक शास्त्रीय संगीत हाँ, क्या माने रखता है, कितना बड़ा है। बड़ा भारी ज्ञान है हाँ। तो जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं वो तो जानते हैं, लेकिन नई जनरेशन को ये पता नहीं है। अगर ये आप बता दें और ये प्रोग्राम अगर वो लोग रिकॉर्ड करके भी रखें तो शायद एक एक राग वो सीख जाएंगे और उन्हें पता लगेगा कि इन रागों से ये पॉप बना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक गाना आपको सुनाती हूँ जो मेरे भाई का गाना है, हृदयनाथ मंगेशकर का, और ये बड़ी हिम्मत कर रही हूँ कि मैं आपके साथ गा रही हूँ। लिपटी लिपटी अब लिपटी लिप
बिलासखानी टोड़ी है ना? हाँ आशा जी, ये बिलासखानी टोड़ी पे है और इसमें ये है कि कोई भी गाना हो वो कोई कोई राग से उसका संबंध तो होता ही है, चाहे हमारा भारतीय संगीत हो या विदेशों का कोई भी हो, वो एक हर एक राग से उसका मिलता जुलता रहता ही है। वैसे कितनी टोड़ियाँ हैं? टोड़िए तो वैसे है 12 टोड़िए तो वो अलग अलग अंदाज की है और बड़े ही सुंदर राग है, बड़ा अच्छा है, सुबह के वक्त में गाया जाता है, ये मॉर्निंग राग है टोड़ी। तो बिलास खान की टोड़ी बिलास खान साहब तानसेन जी के बेटे थे, उन्होंने ये राग को ईजाद किया और उन्होंने इसको सोचा, जैसे कि तानसेन जी को मियां साहब कहते थे, मियां की टोड़ी, मियां की मधार, तो जैसे उन्होंने उस नाम से बनाया मियां, उसी बात से ये उनका जो है बिलास खान साहब जैसे उनके बेटे, उन्होंने इस राग को बिलास खानी टोड़ी के नाम अपने नाम से बनाया। टोड़ी और बिलास खानी क्या फर्क हो? शुद्ध टोड़ी तो उसी से मिलता जुलता है जी। जैसे मैं आपको बताऊं, शुद्ध टोड़ी का जिसको कि मियां की टोड़ी भी कहते हैं वो ही राग। अब उसमें बिलासखानी कोमल मध्यम कोमल निखार का एक रूप लेके और उसी में घरी में सर गर सर गर ग। अब वो गप है इसलिए तो राग को अपनी शक्ल बनानी है। इसके साथ में एक राग और भी है कोमल ऋषभ आसावली, तो अगर हम गपा नहीं जाते सारे पर तो वो कोमल ऋषभ आसावली का रूप आता है, उसकी शक्ल अलग करने के लिए सारे ये है थोड़ी का रूप है, माँ पर करने से तो आसावली का रूप होता है। तो रे ग ग प ऐसे ही शास्त्रीय मन को शास्त्र का नियम होता है, इसकी थोड़ी कोई बंदी हाँ बिल्कुल नहीं है। उसके शब्द है सुन दीजिए दाता अर्ज हमारा, क्यों हमारा जो संगीत है भारतीय संगीत वो तो भक्ति पर ही आधारित है, आराधने पे है और हम सुरों में ही ईश्वर को देखते रहते हैं। और साहित्य सुन दीजिए दाता अर्ज हमारा, कान पड़ा हूँ शरण तिहार, तीन चार सुन लीजिए दाता सुन दीजिए दाता अर्ज हमारा शरण की है शरण की सुन दीजिए दाता अर्ज रंग
पीर कजू न सुहाय आन मिला मोए लोग कहते हैं कि जो पॉप म्यूजिक है उसमें कोई हमारे संगीत का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कि क्लासिकल म्यूजिक उसमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। तो कोई भी दुनिया का संगीत, पूरी दुनिया के लिए कह रहा हूँ, उनमें सात सुरों से तो हटके नहीं है, उसमें सूचियाँ लगती हैं, किसी में कुछ लगता है, किसी सूचियाँ है, वो समय हमारे यहाँ भी बारिश होती है। उन इन सुरों से और उन सात सुरों से हटके पूरी पृथ्वी का संगीत नहीं है, वो एक ही है, एक ही संगीत की भाषा एक ही है। तो अब जो ये गाना है बहुत चल रहा है, क्या किसी अपने राग से बना हुआ? बिल्कुल राग पे होगा, आप बिल्कुल है, कहिए। किसी को प्यार दे दे, किसी का प्यार ले ले, इस सारे जमाने में यही जारी बात है। तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, कोई साथ नहीं तेरा यहाँ पे ये कोई बात है। किसी को प्यार दे दे, किसी का प्यार ले ले, इस सारे जमाने में यही जारी बात है। अच्छा जी, ये बहुत ही मशहूर राग है, आसारीत जिसे थाट भी कहते हैं, उसी राग पे ये आवाज है जिसको कि जौनपुरी भी कहते हैं, जौनपुरी के अंदाज पे, जैसे तीन रेखा की आसारी, तो ये उसी पे आधारित है, उसमें एक राग जौनपुरी है, वो उसी से इसका मेल है। और फिर अब ये है कि वो उस मिजाज से, क्योंकि वो है फिल्म के हिसाब से, उसमें थोड़ा बहुत इधर होता है, मगर जो उसका बेसिक जो चीज है, वो बेसिक चीज उसकी है, वो आसावली और जौनपुरी से ही है। हर गाना ये शास्त्रीय संगीत से ही बनता है, और शास्त्रीय संगीत का अगर एक ही राग हम देते रहें तो वो गाना एक जैसा लगेगा, इसलिए म्यूजिक डायरेक्टर उसको मिलावट करते हैं, मिलावटी राग हो जाता है वो। तो मैं चाहूंगी कि आप एक जरूर, मैं ये तो बहुत ही प्राचीन राग है और बड़ा ही सुंदर राग है और बड़ा ही प्रचार में है, तो मैं आपको इसकी जौनपुरी की एक अछो बंदिश उसे कहते हैं जो सामने प्रचार में उस अंदाज की बंदिश है, नहीं ये
पुरानी बंदिश है, हमारे पिताजी पिताजी गाया करते थे, दादाजी गाया करते थे, सभी हमारे यहाँ के प्राचीन उसमें वो एक अलग अंदाज की वही जौनपुर राग वही है, अदायगी उसकी चलन चरण थोड़ा पड़ा। ये आज मैं आपको बंदिश चुना सुना रहा हूं। ऐसी मौसम रार नंद को छैल ढीठ कुंवर कन्हाई, से संबंध तो रहेगा, उसके बिना तो कोई भी दुनिया का संगीत नहीं जा सकता। सासुरों से अगर अलावा ही है तो बाकी वो तो हो नहीं सकता। वैसे हमारी फिल्मों में बहुत बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हुए चौरी जो हो गए उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे राग चुने और बड़े अच्छे गाने दिए। मेरे पसंद का राग है और वो गाना है चित्रलेखा फिल्म का है शायद। हाँ बड़ी बहुत अच्छी मशहूर थी पिक्चर और उन्होंने मतलब शुद्ध राग में बिल्कुल दिया है, कोई मिलावट नहीं की ऐसा मुझे लगता है। Oh, yeah.
तो कलावती बड़ा सुंदर और बहुत अच्छे अंदाज का राग है। ये भी बता दीजिए कि इसकी आरोही ताकि सीखने वालों को इसका उपयोग। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अब इसमें एक मैं आपको बंदिश है सुना रहा हूं, 3 साल की है। आपने आज सुनी लिया कि क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय म्यूजिक कितना महान है। लेकिन सिर्फ ये प्रोग्राम सुनने ही से नहीं, अगर आप सीखें, अच्छे अच्छे गायकों को सुने, अच्छे अच्छे सितार वादक, सरोद वादक, फ्लूट वादक, जितने भी हैं आप सुने और फिर गाने की कोशिश करें, तो आप भी बहुत अच्छा गा सकते हैं। लेकिन फाउंडेशन, नींव जो है वो क्लासिकल की होनी चाहिए, उसके आधार पर बहुत बड़ी इमारत खड़ी हो सकती है। अभी मैं जाके आई हूँ सैन फ्रांसिस्को में, जाके खान साहब, अली अकबर खान साहब के गाने गाए, जो कि तानसेन के घराने से चले आ रहे हैं, और उनसे मैंने गाने गाए। वहाँ अमेरिकन 600 लोग मैंने देखे, लड़के लड़कियां बैठ के सरगम गा रहे थे, बहुत मुश्किल मुश्किल ताल में गा रहे थे। उनकी हिंदी हमारी जैसी नहीं थी, लेकिन राग पक्का था, नोटेशन ऐसे बोलते थे। ये सब देखने के बाद मुझे शर्म आई कि क्या अमेरिकन लोग एक साथ 600 आदमी क्लासिकल गाते हैं, सीखते हैं, हम नहीं कर सकते, ये तो हमारी चीज है। तो मुझे बड़ी आशा है और उम्मीद के साथ आपसे संबंध मैंने बातें कही हैं। इसमें से आपको अगर जाना है तो लाइट म्यूजिक, क्लासिकल के बाद लाइट भी आप गा सकते हैं, फिल्मों में भी जा सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन नींव पक्की करके।